हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुवैत में फ्रेशर लोगों के लिए जॉब कहां से मिलेगा, क्योंकि काफ़ी भाई जो है ऐसे कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैं वेल्डर हूं, मैं टेक्नीशियन हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, मैं मतलब कि अलग अलग फील्ड के लोग जो है बता रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ मुंबई में एक ऐसी ट्रस्टेड जगह जहाँ से आप अपना इंटरव्यू दे के या टेस्ट दे के अपना जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से काफ़ी भाई मेरा दो तीन दोस्त लोग जो है दुबई के लिए गया हुआ है, ओमान के लिए गया हुआ है, वहीं से बहरीन के लिए गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो है पूरा आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप कहां से जो है टेस्ट मारेंगे और कहां पे होता है। ये हर कैटेगरी के लिए है जो फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर जितने भी भाई हैं किसी भी कैटेगरी के कोई भी काम करते हैं, ये मान के चलो अगर वहां से जाके मुंबई में आप जो है टेस्ट मारते हो या इंटरव्यू देते हो जैसे भी करके। क्योंकि देखो, मैं एक वेल्डर हूं, मिग वेल्डर, तो मैं वेल्डर का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था, तो उस पर काफ़ी भाई जो है कमेंट किए हुए थे कि भाई मैं वेल्डिंग करता हूँ, मैं आर्क वेल्डिंग मारता हूँ, मैं CO2 वेल्डिंग मारता हूँ, लेकिन पूरा उतना जानकारी नहीं है मुझे, तो मैं मतलब कहाँ से जो है दूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे बहुत से भाई हैं जो मतलब कि ये मान के चलो वो काम तो उनको आता है, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं आता, हल्का फुल्का काम आता है, तो वो डरते हैं कि यार मैं जाऊँगा इंटरव्यू देने या मैं जाऊँगा टेस्ट मारने तो क्या पता मेरा टेस्ट फेल हो जाए। तो उस वो जो है जो डर होता है दोस्तों, इस जगह पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, मुंबई से बहुत सारा ऐसा टेस्ट सेंटर है जहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट अपना प्राप्त करके जॉब ले सकते हैं, लेकिन ये जगह जो जहाँ से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको सीधा यानी कि जो कंपनी में बाहर के लिए जो ज़रूरत होती है वहाँ पर डायरेक्ट जो है आदमी लोगों को वहीं पे टेस्ट मरा के वहीं से सिलेक्शन करते हैं और उसका चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है। तो वीडियो को जो है पूरा आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है जानकारी हो जाए कि जॉब जो है फ्रेशर लोगों के लिए कहां से मिलता है। बिल्कुल एकदम नए हैं, मान के चलो आपको वेल्डिंग आता है, आप क्लाइंट इंटरव्यू में मतलब डर रहे हैं या टेस्ट मारने से डर रहे हैं, तो आपको मैं एक आसान तरीका बता दूँ, अनूपटेक जो रवाले में है, अनूपटेक, अगर आप अनूपटेक में जाते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत वेल्डिंग आती है, चाहे आप आर्क वेल्डिंग करते हो, CO2 वेल्डिंग करते हो, या मिग वेल्डिंग करते हो, या आर्गन वेल्डिंग करते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको वेल्डिंग आता है, तो ये मान के चलो आप अनूपटेक में जाएंगे ना टेस्ट मारने के लिए, अपना पासपोर्ट लेके जाइए, वहाँ पे हर हफ्ते यानी कि हर हफ्ते वहाँ पे वेल्डर लोगों का मतलब कि टेस्ट चलते रहता है और अनूपटेक से ही मतलब टेस्ट मरा के डायरेक्ट कंपनी ले लेती है। तो आप मतलब अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, इंटरव्यू से डरते हैं या टेस्ट मारने से डरते हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप फ्रेशर हो तो अनूपटेक में आप जाओ। अनूपटेक में दोस्तों ये है कि सैलरी कम लगती है, लेकिन वहाँ पर जो है क्या होता है कि मतलब आपको ऑफिस चार्ज जो है कम लगता है, सैलरी के हिसाब से ऑफिस चार्ज कम लगता है और वहाँ पे 100% काम हो जाता है अगर आप पास होते हैं। तो नहीं पास होते हैं तो आपको पासपोर्ट वहीं पे दे दिया जाएगा, आपको फेल कर देंगे, लेकिन फेल कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब डीमोटिवेट हो जाओ कि मेरे को फेल कर दिए तो अब मैं नहीं जा पाऊँगा, कुछ नहीं, वहीं पर फिर दोबारा टेस्ट मारिए। ऐसे में क्या होगा कि आप जितनी बार जाएंगे, अगर दूसरे आयदे वे अगर जैसे आप आयशा सेंटर जाते हैं या मान लो फादर एंगल जाते हैं टेस्ट मारने के लिए, तो आपसे 1300 रुपया या 1200 रुपया ले लेंगे, तब उसके बाद टेस्ट मारने देंगे। लेकिन अनूपटेक में दोस्तों ऐसा है कि आप जाएंगे टेस्ट मारने के लिए, अगर आप फेल हो गए तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप फेल हो गए तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, बोलेंगे भाई आपका फेल है, आप नहीं मतलब आप पास नहीं हुए, आप जा सकते हो। तो उसके बाद पासपोर्ट लेके फिर चले जाइए, फिर उसके बाद दोबारा वहाँ जाए, फिर आप जाओ, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे करते करते दोस्तों ये गारंटी है कि पांचवी बार आपको 100% वहाँ से पास मिल जाएगा। बस यही फ़र्क है कि अनूपटेक से थोड़ा क्या सैलरी कम मिलता है, 100-200 अगर मान लो जैसे यहाँ पर अभी कुवैत में 130-140 KD अगर मिल रहा है, 150 KD मिल रहा है, तो अनूपटेक में 100 KD, 105 KD, 110 KD मिलेगा वेल्डर का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वहाँ से आप आते हैं तो आपका कम चार्ज लगेगा और नए लोगों के लिए वहाँ से दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें अगर मान के चलो आप फेल भी होते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। वहाँ पे 10-12 बिल्डर लोग ऑलरेडी लाइन से ही टेस्ट मारते हैं, तो उन्हीं लोगों में आप अगर जाएंगे, थोड़ा बहुत अगर चलाएं हैं गन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी बिल्डर हैं वो लोग अनूपटेक जाएँ, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं वो लोग अनूपटेक में जाएंगे तो उनका जो है बेनिफिट होगा। अगर मान के चलो 10 बिल्डर वहाँ पर आके टेस्ट मार रहे हैं, एक बंदा थोड़ा बहुत जानकारी अगर वहां पे गया, हल्का फुल्का भी अगर मान के चलो कि वो मार लिया टेस्ट, एक बार मारा, दो बार मारा, दो तीन बार मारोगे तो चौथे बार में आपका पास ही हो जाएगा 100%। तो इस तरह से वहां से बहुत सारे बिल्डर लोग दुबई के लिए, तो इवर संडे कंपनी में बहुत सारे बिल्डर लोग अनूपटेक से गए हुए हैं, मैं भी अनूपटेक से गया था मारने के लिए, लेकिन सैलरी कम था, इस वजह से मैं जो है बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो सैलरी बहुत कम लगाते हैं वहां से, लेकिन हाँ यह है कि 100% आपका काम हो जाता है। तो नए भाई लोग, जितने लोग बिल्डर में मतलब कि आना चाहते, चाहे वो आर्क बिल्डर, CO2 बिल्डर, मिग बिल्डर, आर्गन बिल्डर, जिसमें भी मतलब आना चाहते हैं, ये मान के चलो कि अगर ये जो मैं तरीका बताया हूँ
100% वहाँ से हो सकते हैं। बाकी क्लाइंट इंटरव्यू का भी मैंने बता दिया है, मैकेनिकल हेल्पर के लिए भी मैंने बता दिया है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। इसी तरह से जो है होता है और इसी तरह से आप आसानी से जो है कुवैत आ सकते हैं। बाकी अगर किसी एजेंट वजेंट के चक्कर में आप पड़ रहे हैं तो भाई एजेंट लोगों का कैसा है कि वो तो इंटरव्यू लेंगे नहीं, फ़ोन पर सीधा बातचीत करवा देंगे आपसे और बोल देंगे कि हाँ ओके है। तो उसमें क्या होता है कि आपके साथ मतलब कि फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि भाई जब आप जिस काम के लिए गए हो या जिस काम के लिए आपने लगाया है वो काम अगला आपसे देखेगा जब ही ना वो सेलेक्ट करेगा आपको, बिना काम देखे आपको सेलेक्ट कर लिया तो ये मान के चलो कि कुछ भी काम करवा सकते हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें गारंटी है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों पहले ही मैंने बता दिया है वीडियो में कि ये बिल्कुल नए लोगों के लिए हैं जो भाई मतलब आना चाह रहे हैं, तो ये कोई भी भाई इस पर गलत टिप्पणी ना करे कि ये मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी भाई वीडियो देखने के बाद मतलब कि कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं कि तू पागल है बकवास कर रहा था। देखो दोस्तों मेरे चैनल पर जितना भी सारा वीडियो है मैं ऑलरेडी आपको रियल जानकारी देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, किसी का देख के नहीं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ अपना जानकारी बताता हूँ और जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप वीडियो में जाके बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ है, वीज़ा कैसे मिलता है, वीज़ा स्टंपिंग कैसे होता है, कैसे जो है यहाँ पे आना चाहिए, सैलरी वैलरी कैसा जो है लगता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। और आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपके जो है मैसेज का जवाब दे दूँगा ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के बटन को दबा के रखिए ताकि जो भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।